बाजीगर दांव से केजरीवाल को टेंशन देना चाहती है बीजेपी, कांग्रेस भी देगी साथ। तो आइए जानते हैं इस न्यूज के बारे में। दिल्ली की राजनीति में 6 जनवरी का दिन बेहद अहम होने जा रहा है। उस दिन तय होगा कि दिल्ली का मेयर कौन बनेगा। एमसीडी चुनाव में दिलचस्प मुकाबले के बाद अब मेयर की रेस भी रोमांचक हो गई है। वार्ड की लड़ाई में आम आदमी पार्टी से पिछड़ गई भारतीय जनता पार्टी ने डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी मेंबर के लिए उम्मीदवारों का ऐलान करके स्पष्ट कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए रास्ता साफ नहीं है। भाजपा हार कर भी जीत हासिल करके खुद को बाजीगर साबित करना चाहती है। 250 सदस्यीय नगर निगम में 134 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की तो भाजपा 104 वार्ड में जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। एक निर्दलीय पार्षद को पाले में लाने के बाद भाजपा के पास अब एक वार्ड है। कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली तो 2 वार्ड में निर्दलीय पार्षद है। भाजपा और आपके बीच सीटों का अंतर बहुत अधिक नहीं होने की वजह से मुकाबला बेहद करीबी हो सकता है। तो इस न्यूज के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।